हेलो एवरीवन, क्लास नंबर टू बिगिन करिया टाइम एंड वर्कर। ठीक अच्छे, यात्री मुझे क्वेश्चन सॉल्व करी। प्रथम क्लास यही सारी आपको चेक करदे है ना। थ्योरी भी मुझे पढ़े देती एएसओ प्लेलिस्ट चेक करेंगे, से थ्योरी पढ़ाई था। ठीक अच्छे, आम चार्टा क्लास करिया टाइम एंड वर्कर, यहाँ हूँ मैथ्र क्लास नंबर 10। ओके, आज क्लास करिया आगे टिके आप नुआ स्टूडेंट आम चैनल देखुंट, मुझे बैकग्राउंड देवी टाइम एंड वर्कर, टिके थ्योरी आपको कहीदेव ब्रीफ करदेवि, आम क्वेश्चन को मुक करे। ओके, सब जिन आप क्रिस्टल क्लियर होमती किसी कनसेप्ट ना जो डाउट रही है क्लास टाइम एंड वर्कर सब क्लासेस देखला परे, आपनो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड इन कैट कैट रे जहां आछि अगुरु अटेम्प्ट कर दे परिबे टाइम एंड वर्कर, एसएससी सीजीएल बैंकिंग एंड ओबवियसली ओडिसा एग्जाम्स। ठीक अछि, कांसेप्ट वाइज पूरा आपनो क्रिस्टल क्लियर हिजिबे, राइट, लीव दैट थिंग टू मी, लेट्स बिगिन द टॉपिक। टिके आपनको कांसेप्ट ब्रीफ करियो टाइम एंड वर्कर। ठीक अछि, जदि को नुवा स्क्रीन देखछन ताले देखंथु, बी वेरी अटेंटिव, सब जिंस क्रिस्टल क्लियर हिजिबो। देखो टाइम एंड वर्क कोन, इन लेमैन लैंग्वेज व्हाट डस इट मीन, मुझे आप गोटे जिन लिखुच वर्क इक्वाल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यही जो इक्वेशन टा मुझे लिखिली माने कौन, फर्स्ट देखो वर्क हूँ एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कौन, लीस्ट यूनिट ऑफ टाइम, क्वेश्चन में जो लीस्ट यूनिट ऑफ टाइम मेंशन करा है ताधरे मुझे काम करुँ। एग्जांपल दूसरी, लेट से मुझे गोटे घंटा चार्टा बल्ब बनाऊँ, लेट से मो काम हूँ बल्ब बनाया। ठीक अच्छे, जो इलेक्ट्रिक बल्ब मुझे गोटे घंटा चार्टा बल्ब बनाऊँ। ठीक अच्छे, मुझे एफिशिएंसी कौन, 4 बल्स पर आवर। ठीक अच्छे, 4 बल्स मुझे बनाऊँ गोटे घंटा, लेट से मुझे 4 घंटा काम करुँ, तो मुझे कितना बल्ब बनेबी, 16 बल्ब बनेबी, माने मुझे कहीदी मुझे 4 बल्स पर आवर बनाऊँ, यहाँ हूँ मुझे एफिशिएंसी। कते काम कली, 4 बल्स गोटे घंटे बनैली, कते घंटा काम कली, लेट से मुझे 4 घंटा काम कली, तो कितना बल्ब बनेबी, मुझे 16 बल्ब बनेबी। हे गला, दिस इज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क, एति की ही कांसेप्ट, गोटे घंटा रे मु केते काम कली हेटा होची मो एफिशिएंसी, केते घंटा काम कली सेटा होची टाइम, केते काम होला दैट इज योर वर्क। कांसेप्ट आपन को क्रिस्टल क्लियर हो दो, राइट। धरंतु क्वेश्चन रे आवर कथा कहिनि, क्वेश्चन रे कहिछि डेज कथा। ठीक अछि, लेट से मु गोटे दिन रे 10 यूनिट काम करूछि, गोटे दिन रे 10 यूनिट काम करूछि, 10 यूनिट्स पर डे हला, 10 यूनिट्स पर डे हला, मु काम करूछि 10 दिन, ताहले मु केते काम करिवी, मु काम करिवी 100 यूनिट्स। ठीक अछि, अरे केमिथि होची 10 यूनिट्स पर डे, मु 10 डेज काम कली, डी डी कैंसिल हिजो कि नै, ताहले 100 यूनिट्स मु काम कली, एटा होची मोर एफिशिएंसी, केते यूनिट काम कली पर डे, एटा मो एफिशिएंसी, केते दिन काम कली दैट इज टाइम, केते काम हला दैट इज वर्क। क्रिस्टल क्लियर आपन को कांसेप्ट, एतिक ही कांसेप्ट टाइम एंड वर्क रे, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी कोन, लीस्ट यूनिट ऑफ टाइम रे जोडा क्वेश्चन रे मेंशन करा हिची, क्वेश्चन जदी आवर्स कथा कहिची, आपन गोटे घंटा रे केते काम करले, हेटा आपन को एफिशिएंसी हला, जहां भीतर कहिथिबो ए काम करची एति घंटा रे, गोटे घंटा रे केते काम करला हेटा हम एफिशिएंसी, केते घंटा काम करला हेटा होची तार टाइम, आ केते वर्क हला आपन बुझे देली, राइट। क्वेश्चन रे कहिची डेज भीतर रे लीस्ट यूनिट ऑफ टाइम जोडा क्वेश्चन रे मेंशन करथिबो, डेज कहितले डेज होची एफिशिएंसी, पर डे केते काम करला, आवर्स कहते गोटे घंटे के काम कला, मिनिट्स कहते पर मिनिट के काम कला, दैट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। क्रिस्टल क्लियर आप कांसेप्ट, आउ टिके आम डेप्थ को जीवा, तो बेसिक जिनस कहली, आउ टिके आम बुझे आगे है, ये इक्वेशन टाक एक्सप्रेशन टाक आम आउ टिके बुझा है, डब्ल्यू इक्वाल टू ई इंटू टी जो लिखाई टिके आपको एलाबोरेट करी आपको टिके इरेज कर दो। हाँ देखो, डब्ल्यू इक्वाल टू ई इंटू टी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, ये टिके किसी इनसाइट आम ना कौन, धरतु वर्क मोर कन्स्टाट अच्छे, दीज प्रडक्ट एफिशिएंसी आउ टाइम प्रडक्ट हूँ वर्क, जदि एफिशिएंसी इनक्रीज कर जेहेतु प्रडक्ट कन्स्टाट अच्छी, धरतु वर्क कन्स्टाट अच्छे, वर्क कन्स्टाट अच्छे, दीटा जिनस प्रडक्ट है वर्क हूँ, अरे वर्क टा कौन दीटा जिन प्रडक्ट हूँ ना, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी ओब्वियसली मतलब टाइम को कम करा पड़ो, कहीं प्रडक्ट कन्स्टाट रखार अच्छे, एउठ आपन को कोन क्लियर होची, जदि वर्क कांस्टेंट अछि ताले एफिशिएंसी इनवर्स ऑफ, एफिशिएंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम, एफिशिएंसी रेशियो टाइम रेशियो इनवर्स ऑफ, को केस जदि वर्क कांस्टेंट अछि ताले, जदि एफिशिएंसी रेशियो होची मोर ए इज टू बी, ताले टाइम रेशियो हबो बी इज टू ए, आउट टिके सिंपल वर्ड से कहू छी, जदि एफिशिएंसी रेशियो अछि 5 इज टू 4, ताले टाइम रेशियो हबो 4 इज टू 5, जदि वर्क कांस्टेंट अछि ताले वर्क केते अछि एडी 5 इनटू 4, एफिशिएंसी टाइम होची वर्क, दिस इज 20, एई केतरे भी 20, जदि एफिशिएंसी रेशियो होची 5 टू 4, वर्क रेशियो हबो 4 टू 5, क्लियर होची, जदि वर्क कांस्टेंट अछि ताले, कहना इट होची प्रोडक्ट, गोटे इनसा बढियो माने आ गोटे कम करियाव पडियो, कहना एफिशिएंसी आ टाइम रे प्रोडक्ट होची वर्क, क्लियर। आ गोटे इनसा आपन ब्रीफ करिवेडी,
यही पॉइंट आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आपको ब्रीफ करेंगे ये आउ टे पशिया ये प्रोपोर्शनालिटी प्रूफ वन सेकेंड लेट मी इरेज दिस। हाँ गोटे जिस मार्क करूँ वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम ठीक अच्छे। जदि आपणकर एफिशिएंसी कांस्टेंट अच्छी जदि एफिशिएंसी कांस्टेंट अच्छी टाइम रेशियो आउ वर्क रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटा हमें क्वेश्चन रे यूज करिया खाली टिके जानि थांदु बस बेसिक्स जेमती आपणकर स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। जदि डिस्टेंस कांस्टेंट हबो ताले स्पीड आउ टाइम इनवर्स होए। जदि टाइम कांस्टेंट हबो स्पीड रेशियो आउ डिस्टेंस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो। ए इनटू बी इक्वल टू सी रिलेशनशिप खाली आपण एते बुझंतु नि खाली सिंपल जिंसम आपण कहि दो जे हला एठी हमें जो थिले रिलेशनशिप रे देखंतु जदि एफिशिएंसी कांस्टेंट अछि टाइम रेशियो आउ वर्क रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर होची आपण को हला। जदि टाइम कांस्टेंट अछि ताहले वर्क रेशियो आउ एफिशिएंसी रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउ जदि वर्क कांस्टेंट अछि ताहले एफिशिएंसी आउ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी पार्ट्स आप क्लीयर होना अबिका हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को मूव करिया आउ गोटे जिनसे देखुं एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क राइट। एफिशिएंसी आउ टाइम प्रोडक्ट हूँ वर्क राइट तमाने वर्क फैक्टर हूँ कौन एफिशिएंसी आउ टाइम एम होती फैक्टर्स ऑफ कौन वर्क फैक्टर्स एफिशिएंसी आउ टाइम से टाइम जदि आपको दिखाई डेज दिखाई आपको क्वेश्चन लिस्ट 20 डेज दिखाई 30 डेज दिखाई 40 डेज दिखाई यांकर एलसीएम टाक आम वर्क मानि दिखते कहीं बिकज टाइम रोटे प्रडक्ट हूँ वर्क एफिशिएंसी गोटे प्रडक्ट हूँ वर्क यांकर मल्टीपल टाइटा से आम वर्क टाक एलसीएम मान दिखती लोएस्ट कमन मल्टीपल मान दिखते आपको क्लीयर हो कहीं एलसीएम मना हुए। हाँ ओके ये पार्ट्स क्लियर है डायरेक्टली क्वेश्चन को मुव करेंगे बैकग्राउंड आपको क्लीयर रईट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन आपण सबू क्वेश्चन सहित वीडियो पॉज करेंगे निजे अटेम्प्ट ने यहाँ हूँ टाइम एंड वर्क आप जानते हैं क्लास नंबर टू आम ठीक अच्छे। एमती मुझ चार्टा क्लास करी 60 क्वेश्चन मुझ सल्व करी आपको यूट्यूब सब टपिक कराँगी यहाँ हूँ मोट ओएसएससी सीजीए लिखाई बट सब एक्जाम मोर दैन सफिसीयंट आप क्लास को निजी जानपरेंगे ओके। प्रथम क्वेश्चन आई होप आप निजे अटेम्प्ट ने सोईकना देखते भिड कपी पेन लिख सब जिन एंड प्रपर्ली यूटिलाइज करते क्लास गुड़ाक ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली ओके। ए करुची के दिन रे 20 डेज रे बी करुची के दिन रे 30 डेज रे राइट। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 डेज दे बिगिन द वर्क टुगेदर। फर्स्ट होची मु कोन कहितले आपनको डेज रो एलसीएम टाकु वर्क मान दियंदी काहे कि आपनको बुझैले आउट के आगो यांको एलसीएम केते होजि बिले 60 ताहले 60 हेले एफिशिएंसी केते हो 20 दिन रे 60 यूनिट करुची ताहले पर डे केते करुची 3 यूनिट एटा एफिशिएंसी हला ए रो यार एफिशिएंसी केते बी रो 2 यूनिट ठीक अछि ओके। एफिशिएंसी माने पर डे केते काम करू जथि प्रथम क्वेश्चन टिके कहू छी आकु आ कहिबेनि आपण सब जिंस आपण क्लियर होतु। दे बिगिन द वर्क टुगेदर टुगेदर काम करिया स्टार्ट करे जदि टुगेदर काम करिया स्टार्ट करे ताले गोटे दिन रे दिजन केते काम करिवे ए करू छी 3 यूनिट पर डे बी करू छी 2 यूनिट पर डे ताले टुगेदर केते करिवे 5 यूनिट्स पर डे। बट ए लीव्स आफ्टर 4 डेज माने 4 डेज जे दिजन मिसना काम करले माने 5 × 4 तापर ए पड़ेगा ठीक अच्छे तमाने काम के 20 यूनिट काम हो गला ठीक अच्छे। बट काम टोटाल आम मानते के टोटाल 60 यूनिट काम मानते ठीक अच्छे 20 यूनिट अलरेडी 4 दिन होगा आउ बचला के बचला 40 यूनिट काम बचला रिमेनिंग। नाउ बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क ये जो 40 यूनिट बचला खाली बी करुच बी गोटे दिन में कम कर बी एफिशिएंसी के 2 यूनिट्स पर डे तमाने 40 यूनिट काम करके दिन लगे 40 यूनिट बाय 2 व्हिच इज 20 डेज हला 20 डेज क्लियर हो तो आपन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क टोटल के दिन लागिला कंप्लीशन करया वर्क बी को लागिला 20 दिन आ ए आ बी मिसि किना काम करथले के दिन 4 दिन ठीक अछि। त माने टोटल के दिन लागिला 20 प्लस 4 होची 24 को ऑप्शन रे छेडी हम टाइपिस्ट टिके भूल कर जी हला एडा कोटे ऑप्शन काट दियौ 34 नुवा 24 होव हला 24 होव हला 24 होव आंसर ठीक अच्छे टी रेक्टिफाई कर दिखाते क्वेश्चन फाइन ओके। सो 24 हो आंसर यार आपको क्लियर है हो सिंपल क्वेश्चन टाइम टी एलाबरेट करना बुझेदेवि अबिका आगे को स्पीड मूव करिया। क्वेश्चन नंबर टू कौन है आप फर्स्ट निजे अटेम्प्ट ने मुझे एक्सप्लेन करी आई होप आप वीडियो पॉज करना अटेम्प्ट ने ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली ओके। ए करुच 10 डेज बी करुच 20 डेज
ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, 10 to 20 seconds ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, 20 ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ 20 ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଏଟା। ତାହେଲେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେବ ବୋଲେ 2 ଆଉ 1, ହେଲା, ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 2, ବି ର 1। ଦେ ବିଗିନ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ବଟ୍ ଏ ଲିଭ୍ସ ଆଫ୍ଟର 5 ଡେଜ୍। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3 ୟୁନିଟ୍ କରିବେ, କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? ଆଫ୍ଟର 5 ଡେଜ୍ ଏ ଲିଭ୍ସ ଆଫ୍ଟର 5 ଡେଜ୍, ମାନେ 5 ଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଲା, ହେଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ କାମ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଏଠି 15 ୟୁନିଟ୍ କାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ? ଆଉ 5 ୟୁନିଟ୍ କାମ ବଞ୍ଚିଲା। ଆରେ 20 ୟୁନିଟ୍ ଟୋଟାଲ କାମ ଅଛି, 15 ୟୁନିଟ୍ ତ କରିଦେଲେ, ହେଲା, ଆଉ 5 ୟୁନିଟ୍ ବଞ୍ଚିଲା। ନାଉ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ରିମେନିଂ ୱାର୍କ, ମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା। ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ କରୁଛି କେତେ? 1 ୟୁନିଟ୍। ତା ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 1 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ ଡେ, ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ, 5 ୟୁନିଟ୍ ବଞ୍ଚିଲା। ସୋ 5 by 1 is 5, 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ବି କୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବି କୁ ଲାଗିଲା 5 ଦିନ ଆଉ, ହେଲା, 5 ୟୁନିଟ୍ ସାରିବାକୁ। ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ କାମ କରିଥିଲେ? 5 ଦିନ। ତାହେଲେ 5 + 5 ହେଉଛି 10, 10 ହବ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଏ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 24 ଡେଜ୍, ବି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 32 ଡେଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟେନ୍ ଟାଇମ୍ ବି। ଓକେ, ଏଇଟା ନିଜେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅ ୱାର୍କ ଇନ୍ 24 ଡେଜ୍, ବି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇନ୍ 32 ଡେଜ୍। ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ହେଉଛି ଆଙ୍କର? 96, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଉଛି ବୋଲେ 4, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 3, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ହେଲା। ତାପରେ ଇଫ୍ ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଲେଫ୍ଟ ଦ ୱାର୍କ, କେତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ବି ଛାଡ଼ିଲା ଜଣା ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ସେ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସ ଡେଜ୍ ବି ଲେଫ୍ଟ ଦ ୱାର୍କ, ଏକ୍ସ ଡେଜ୍ ପରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ନୋନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସ ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଉଛି ସେମିତି ଆପଣ କରିବେ। ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ୍ ଟାଇମ୍, କେତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇ ଅନ୍ନୋନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସ ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? 4 + 3 = 7 ୟୁନିଟ୍ସ ପର୍ ଡେ, କାହିଁକିନା ଦେ ବିଗିନ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ୍ ଟାଇମ୍ କହିଛି, ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ସେ ଏକ୍ସ ଡେଜ୍ କାମ କଲେ ମିଶିକିନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବି ଲେଫ୍ଟ ଦ ୱାର୍କ, ଯଦି ବି ଲେଫ୍ଟ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଖାଲି ଏ କାମ କରିଥିବ, ହେଲା, ଏ କାମ କରିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ 18 ଡେଜ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଖାଲି ଏ କାମ କଲା ମାନେ ଏ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 4 ୟୁନିଟ୍ସ ପର୍ ଡେ, କେତେ ଦିନ କାମ କରିଥିବ? ଏକ୍ସ ଡେଜ୍ ତ କାମ ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ 18 ଦିନ କାମ ହେଇଛି, ତା ମାନେ 18 - x ଡେଜ୍ କାମ କରିଥିବ ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କଟା କେତେ ଅଛି? 96, ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 7x ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 4x ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 18 + 72 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି ବୋଲେ 24, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8, ହେଲା। ତାହେଲେ 8 ହବ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଲାଲି କରିଦେଇ ପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେନି କି ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଓରାଲି, ଆପଣ ସାର୍ ସବୁ ଏଇଟା ଓରାଲି କରିଦେବେ, ହେଲା। ଏନିୱେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲେଖା ହେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଏକ୍ସ ନିନା ଦେଖିଲେ, ଏଠି ବିନା ଏକ୍ସ ଦେଖିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲି ଏକ୍ସ ନିନା, ହେଲା। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ କହିଦେଉଛି, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଏକ୍ସରେ, ଏ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 10 ଡେଜ୍, ବି କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇନ୍ 15 ଡେଜ୍, ହେଲା। ଏ ହେଉଛି 10 ଡେଜ୍, ବି ଇନ୍ କେତେ? 15 ଡେଜ୍। ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ? 30। ତାହେଲେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଉଛି ବୋଲେ 3 2। ଇଫ୍ ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟେନ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ଲେଫ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୁଝେଇଲି, ଏଠି ବିନା ଏକ୍ସରେ ଦେଖିବା, ଏ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ କରିଗଲା ତାହେଲେ କାମ କିଏ କରୁଛି? ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ କରୁଛି, ବି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି, ମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ କାମ ହେଇଛି? 9 ଦିନ, ତାମାନେ 9 ଦିନ ଯାକ ବି କାମ କରୁଛି, ଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କାମ। ଓକେ, ବି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ କରୁଛି, ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ପର୍ ଡେ କାମ କେତେ? 2 ୟୁନିଟ୍ସ, 9 ଡେଜ୍ ଟୋଟାଲ କାମ ହେଉଛି, ତାମାନେ ବି କେତେ କରିଥିବ? 9 × 2 ହେଉଛି 18 ୟୁନିଟ୍ସ କାମ କରିଥିବ ବି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବି। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ? 30 - 18, ମାନେ 12 ୟୁନିଟ୍ ବଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା କିଏ କରିଛି? ଏଇଟା ଏ କରିଛି। ଏ ର ପର୍ ଡେ କାମ କେତେ? 3 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ ଡେ, ହେଲା। ତାହେଲେ 12 ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ? 4 ଡେଜ୍, ତାମାନେ 4 ଦିନ କରିଛି କାମ ଏ, ତାପରେ ଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ହେଲା। ତ ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଏ ଲେଫ୍ଟ ଦ ୱାର୍କ? 4 ଡେଜ୍, ଅପସନ୍ ସି, ହେଲା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଜିଂ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସରେ ବି କରିଦେଇପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲି କେମିତି ଏକ୍ସ ନେନା କରିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ଇଫ୍ ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର, ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ଲେଫ୍ଟ, କେତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ସେ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସ ଡେଜ୍, ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସ ଡେଜ୍ ଏ ଲେଫ୍ଟ ଦ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ନୋନ୍ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସ ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏ ଲେଫ୍ଟ, ତାମାନେ ବି କାମ କରୁଛି, ତାମାନେ ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 ୟୁନିଟ୍ କରୁଛି, କାମ କରି ସରିଛି କେତେ ଦିନରେ? 9 ଦିନରେ, ତାମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସ ଡେଜ୍ କାମ ହେଇଗଲା ବଞ୍ଚିଲା କେତେ? 9 - x, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ ହେଉଛି ମିଶିକିନା? 30, ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5x - 2x, ତାମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍
3x इक्वल टू 12, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 4, तो माने आफ्टर 4 डेज ही लेफ्ट द वर्क। क्लियर, नेक्स्ट मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 5, मु आपन दुटा अप्रोच कहबी, इक्वेशन अप्रोच भी कहबी आ माने ओरल अप्रोच भी कहबी। हला देखो, फर्स्ट निजे आपन अटेम्प्ट नियो इक्वेशन अप्रोच जानिया इंपोर्टेंट एथि पई कि ना बहुत थरा कोना ठीक क्वेश्चन डिफिकल्ट हे गेले आपण मैं कॉमन सेंस अप्रोच करेंगे सही एक्स मानक पड़ो जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा इक्वेशन फॉर्मिंग आसा दरकार ठीक है सही इक्वेशन अप्रोच कह डिफिकल्ट क्वेश्चन से यूज हो बेसिक क्वेश्चन तो आप ओराली करदे पारे ये सब क्वेश्चन ओराली करदे पारे एनिवे देखो कमी हम ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days 12 days रेस्पेक्टिवली ओके 10 बी करुच्ची 12 एलसीएम के पे 60 सब थर एम एलसीएम मानना करा दरकार नहीं बेसिक पाला कौन ना नहीं आप एमती भी करदे पारे 10 12 रेसीो के 5 6 एफिशिएंसी के 6 5 उल्टा हुए है ना ओके ताहले धरंतु एमती है एटा होजे केते दिस इज 6 दिस इज 5 एटा आसला एफिशिएंसी ओके दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्क इज कंप्लीटेड ओके ए लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क तमन लास्ट डे काम के करथियो बी काम करथियो यदि ए लेफ्ट 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क तमन लास्ट डे काम करथियो बी बी करूची केते गोटे दिन रे काम करची 5 यूनिट तमन लास्ट डे रे बी करथियो 5 यूनिट आ बंचिला केते काम 55 यूनिट्स काम बंचिला जोटा ए आउ बी मिसिकि ना काम करथिबे गोटे दिन रे ए आउ बी मिसना करूचो केते 11 यूनिट ताले 55 करियो के दिन लागथियो 11 बाय दिस इज 5 डेज 5 दिन लागथियो ए आउ बी एका साथ मिसना काम करछन 5 दिन आउ गोटे दिन काम करछि बी ता माने 5 प्लस 1 होची 6 डेज अरे बुझछ ना नै मो लास्ट डे काम करछि खाली बी बी गोटे दिन रे करूची 5 यूनिट बी गोटे दिन रे करूची 5 यूनिट ता एफिशिएंसी बाय डी है ना ओके आउ तब तागुर जो 55 मिनट यूनिट्स बचिला क्या टोटल वर्क में मानचन 60 जो 55 मिनट्स बचिला ए आउ बी मिसना करथि ए आउ बी गोटे दिन रे काम करते करिवे 11 यूनिट 55 मिनट्स करयो के दिन लागियो 5 दिन तो 5 प्लस 1 हो 6 एटा होची आपन को बेसिक अप्रोच बेसिक माने एटा होची माने कॉमन सेंस अप्रोच इक्वेशन रे केमती करिया धरन तो इक्वेशन रे जान करिया चाहौ छी इक्वेशन रे केमती करिया लेट मी इरेज दिस एक्स मानना करिया लेट्स से जो जिनसडा अननोन पचाय छी ताको एक्स मान दियौ हला कोन पचाय छी इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड हाउ मेनी सेटा को एक्स मान दियौ लेट्स से एक्स डेज रे वर्क कंप्लीट करा होछ ठीक अछि ताले कोन हला ए एंड बी दे वर्क टुगेदर ए लेफ्ट 1 डे बिफोर ओके एका साथ काम कले माने 11 यूनिट्स पर डे करतुबे इनटू एक्स डेज रे वर्क कंप्लीट होछि त माने मिसी किना काम कले एक्स माइनस 1 डे ठीक अछि आ लास्ट डे के काम कला लास्ट डे ओनली बी काम करथियो प्लस 5 बुझुना ना मो अरे एक्स डेज रे काम कंप्लीट होची मो एक्स टा को वेरिएबल मानि छी ठीक अछि एक्स माइनस 1 डे मिस ने काम करथिबे आ लास्ट डे खाली बी काम करथियो दिस इज इक्वल टू 60 ठीक अछि अभी केते हो देखंतु बोले दिस इज आपन को देखंतु माइनस 11 माइनस 6 दिस इज माने 11 एक्स इक्वल टू केते हो जमल 11 एक्स इक्वल टू दिस इज 66 दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 6 असलेट तो एक्स डेज आई मंथली वर्क कंप्लीटेड आंसर आसीला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट नीचे अटेम्प्ट नियंतु क्वेश्चन नंबर 6 मु कर दो तबरे ए बी सी कैन डू वर्क इन 12 16 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली ओके ए 12 बी 24 ओ 16 बी कर जे केते 16 दिन सी कर जे केते 24 एंड एलसीएम केते पिले 48 ताले एफिशिएंसी केते आसीबो दिस इज 4 दिस इज 3 दिस इज 2 राइट ओके दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लेफ्ट the work 1 day before the completion of work okay ta mane they begin the work together mane gote din re kaam kate hochi 9 unit 4 plus 3 plus 2 ket din kaam kale let's say kon pocharchi in how many days work will be completed let's say x days re work complete hochi hala ta mane ket din kaam kale misi kina x minus 1 day thik achi plus last day re ke kaam karthiyo a and c left jodi a aur c left kari hole khali b kaam karthiyo b gote din re karu chi kete 3 unit this is equal to total work 48 abhi ka solve kar diyantu 9x minus 9 plus mane minus 6 54 so x equal to 9x x equal to 6 6 hala answer solve apan nije kariyo orally kar di paribada next question number 7 first nije attempt niyantu ए बी सी कैन डू वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज ओके ए करुची 10, बी करुची 12, सी करुची 15 डेज एंगल एलसीएम टा केते बेले
60 ताहले एफिशिएंसी केते होची 6 5 एंड 4 ठीक अछि दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क 3 डेज पर सी छाडना पड़ेला सी गोटे दिन रे केते काम करू जिले 4 यूनिट काम करू छी 3 दिन पर सी छाडना पड़ेला हला ओके तापर 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड जो जिनस पचार हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट है लेट्स से एक्स डेज वर्क कंप्लीट है मान दूसरी एक्स डेज काम कंप्लीट है ठीक अच्छे ए तो छाड़ी ठीक अच्छे ए एक्स डेज आ काम कर ए के काम कर गोटे दिन में कर यूनिट एक्स डेज काम कर ए टोटाल काम कर 6x गोटे दिन में 6 यूनिट कर 6 डेज जाओ काम कर एज काम छाड़नी ए कथ बुझीदेली आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क 3 दिन पर सी छाड़देला सी गोटे दिन में कर 4 यूनिट आप देख पाते 4 यूनिट्स कर गोटे दिन में 3 दिन पर छाड़देला 12 यूनिट काम कर दे थी सी तापर 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क 4 दिन आगर बी छाड़देला ताने बी गोटे दिन में कर 5 यूनिट 4 दिन आगर मैंने 5 × x माइनस कते गोटे दिन में कर 5 यूनिट के दिन आगे छाड़ला 4 दिन आगे 4 दिस इज इक्वाल टोटाल वर्क कते 60 सॉल्व कर दियंतु 6x एटा 5x माने 11x एटा 20 माइनस 20 एंड दिस इज माने दिस इज 11x इक्वल टू 68 सो x इक्वल टू 68 बाय 11 क्लियर होतो आपनको ना ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ए के एग्जैक्ट सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि एटा आपन होमवर्क एक्जाक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बुझे राइट एटा होमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक्स टेक्स 4 डेज टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब ता माने 1/3 करियो 4 डेज टोटल काम करियो को दिन 12 दिन वाई कोन होची 3 डेज टू कंप्लीट 1/6 1/6 करियो को 3 डेज ता टोटल करथु के दिन रे दिस इज 18 जेड कथा कोन कहि छी 5 डेज टू कंप्लीट हाफ ता टोटल करियो 10 दिन मोदो एक एलसीएम ता केते एलसीएम ता होची 180 राइट ओके ताले केते होची एफिशिएंसी 180 बाय 12 केते 15 15 10 18 ठीक अछि ऑल ऑफ देम वर्क फॉर 3 डेज ऑल ऑफ देम वर्क फॉर 3 डेज टोटल मिसले केते होची गेले 15 दिस 33 से 43 43 3 डेज माने 129 यूनिट्स काम हो गेला 3 दिन रे हां ओके तापर एक्स आउ जेड क्विट करि गेले त माने ये गला तले खाली बी बचिला हाउ लॉन्ग बी टेक्स टू कंप्लीट रिमेनिंग केते हला बिले 180 टोटल वर्क 129 यूनिट्स हे गला आ बचला केते 51 यूनिट्स ताउ करिवो कि ए करिवो सॉरी बी करिवो माने वाई करिवो बाय 10 व्हिच इज 5.1 क्लियर पूरा क्वेश्चन डाटा क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट निजे ट्राई करंतु अ मैन कैन अलोन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज वुमन कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज ठीक अछि ओके तापर कहला 2 डेज फर्स्ट निजे ट्राई करंतु आई होप यू ट्राइड ओके डायरेक्ट मु कर दो जेला ए मैन इज टू मैन कहि नै ओटे काम करिया देखो तो आपण बुझी सारि बणी जाय मु टिकट डायरेक्टली करू जेडी मैन ओ मैन 8 16 ताले एफिशिएंसी कोन होबो 2:1 हला मैन करू छी गोटे दिन रे 2 यूनिट ओ मैन करू छी गोटे दिन रे 1 यूनिट मैन काम करू छी के दिन 8 दिन हला ओ मैन काम करू छी 16 दिन ताले टोटल वर्क टा मान दियंतु 16 यूनिट बुझी पारले के मारली एफिशिएंसी इनटू टाइम कर देली ओके तापर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर मैन लेफ्ट आफ्टर 2 डेज 2 डेज ता 2 डेज पर मैन पळेला हला गोटे एका साय काम करे स्टार्ट करले एका साय काम करले माने 2 डेज जाय मैन करथियो केते 2 यूनिट्स वुमन करथियो केते सॉरी 4 यूनिट्स करथियो 2 दिन रे 4 दिन 2 यूनिट्स ये करथियो 2 डेज रे 2 यूनिट्स ठीक अछि तापर कोन हला तापर मैन क्विट करि गला हाँ मैन कोड करेगा ये प्रथम काम है तापर ओ मैन कंटिन्यूज आफ्टर 3 डेज माने आउ 3 दिन काम गला ओ मैन गोटे यूनिट कर गोटे दिन ताले एडी ओ मैन केते कर 3 यूनिट ठीक अछि गला तापर नेक्स्ट मैन इज कॉल्ड बैक टू वर्क तापर मैन को फोन डाके देले ता माने अबिया काम केते हो 3 यूनिट काम हो गोटे दिन रे आफ्टर 1 डे ओ मैन क्विट ओके ता माने आउ मैन ओ मैन गोटे दिन रे केते काम करथिबे 2 आउ ये करथिबे 1 क्लियर तापर रिमेनिंग वर्क इज डन बाय द मैन तापर रिमेनिंग अब बचला के देखंतु एठी हला टोटल मार्क कर देखो देखंतु एठी 6 3 9 3 12 12 यूनिट काम हो गेला टोटल होची 16 यूनिट आ 4 यूनिट बचला त माने एठी 4 यूनिट के करथियो मैन करथियो 4 यूनिट क्लियर ताले
रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू मैन कैसे है मैन रोचे देखो तो, मैन रोच चार प्लस दुई छ प्लस चार दस मैन कला दस यूनिट वोमैन कला कैसे दुई दुई प्लस तीन पाँच एक छाने दिस इज टेन इज टू सिक्स मैन इज टू वोमैन क्लीयर हो ना अरे बुझे ना ना ये फाइव इज टू थ्री अप्सन ए इज करेक्ट क्लीयर सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 निजे ट्राए करूँ फर्स्ट तापर मुँ करी फर्स्ट निजे ट्राए करूँ शेखर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज संदीप कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज लेस देन शेखर माने संदीप करछ 40 दिन रे हला त माने 45 आ गोटे अछि 40 एठी एलसीएम एमिति मानंतु एलसीएम मानंतु नि एफिशिएंसी किन बाहर करिया एटा होछि डेज रो रेशियो को रेशियो अछि काट दियंतु दिस इज 9 दिस इज 8 डेज रेशियो होछि 9 8 तले एफिशिएंसी केते हो 8 इज टू 9 एटा होछि एफिशिएंसी तले टोटल वर्क केते हो एफिशिएंसी इनटू टाइम आइदर 9 इनटू 40 कर दियंतु और 8 इनटू 45 कर दियंतु क्लियर होछि ना इमो एते बुझि सारिनी आ एते बुझैबिनि डेज रेशियो रो अपोजिट होछि एफिशिएंसी रेशियो एफिशिएंसी रेशियो 8 इज टू 9 एफिशिएंसी इनटू टाइम होछि वर्क आइदर 9 रे 40 मल्टीप्लाई कर दियंतु 360 और 8 रे 45 करू 360 तले टोटल वर्क होछि केते 360 यूनिट क्लियर एटा मु इरेज करिबि बट लिखि दउ छन तापर कोन हला मत आखिटा खराब हो प्रपर दिशुन व्वेन वर्किंग अलोन संदीप एंड शेखर बोथ स्टार्टेड दि वर्क टुगेदर ओके बोथ स्टार्टेड दि वर्क टुगेदर एक साथ काम कर स्टार्ट करें मैंने एफिशिएंसी होचे 8 न तमाने 70 यूनिट काम करथिबे गोटे दिन हला स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर सम डेज किसी दिन जाना नहीं तमाने इंटू एक्स मान दियंतु हला एति दिन लेट्स से एक साथ काम कले शेखर आफ्टर सम डेज संदीप लेफ्ट द वर्क संदीप छाड़ला काम ठीक अच्छे संदीप आउ शेखर मुझे एफिशिएंसी लिखी दौर अलग कलर में यहाँ हूँ फर्स्ट क्या लगे शेखर आउ गोटे अच्छे संदीप एस ए ओके कौन है संदीप लेफ्ट द वर्क संदीप छाड़गला काम तापर कौन है शेखर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 45 डेज विथ हाफ इज एफिशिएंसी शेखर एफिशिएंसी केते बिले 8 हाफ एफिशिएंसी माने 4 है माने 4 एफिशिएंसी रे काम कला 56 डेज 4 इंटू 56 केते होछे 4 इंटू 50 होछे 200 आउ 6 इंटू 4 24 मैंने 224 काम कला केते 224 यूनिट काम कला किए से पिला कौन था ना शेखर काम कला है मैंने माइनस कर दिखाँ के 136 ठीक है 136 मैंने 136 काम करेंगे संदीप और शेखर मिसिकिना है के दिन काम करेंगे 136 बाय 17 के 8 मैंने 8 डेज मिसिकिना काम कले से ही क्वेश्चन पचार क्लीयर नेक्स्ट मूव करिया क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट निजे ट्राए करूँ एटा एक्जाक्ट सेम टाइप अच्छे मैंने यहाँ हूँ आपर दिस हाज टू बिओर एटा दिस हाज टू बिओर होमवर्क नुह कि एक्जाक्ट सेम टाइप क्वेश्चन अच्छे निजे ट्राए कर नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ भल क्वेश्चन है ये मुझे कनसेप्ट भी शिखेबी है ये आम प्रपोर्शनालिटी भी यूज ना फास्ट निजे ट्राए करूँ ए एंड बी फास्ट निजे ट्राए करूँ ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज ठीक अच्छे हाउएवर ए वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट्स हाफ ऑफ द वर्क एंड लिव्स बी अलोन कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द वर्क इट टेक्स 25 डेज इन ऑल टू कंप्लीट द वर्क बी इज मोर एफिशिएंट देन ए हाउ मेनी डेज वुड इट हैव टेकन बी टू कंप्लीट द वर्क हरसेल्फ ओके लेट्स से ए अलोन टेक्स ए डेज टू कंप्लीट द वर्क बी अलोन टेक्स बी डेज टू कंप्लीट द वर्क माने ए को अलोन लागो छि लेट्स से कैपिटल ए डेज बी को अलोन लागो छि कैपिटल बी डेज तमाने टुगेदर कर बार दिन में टुगेदर मैंने ए बी बाय ए प्लस बी इक्वल टू 12 एटा आप क्लीयर होती ए को एलोन लगुच ए डेज कम्प्लीट कर वर्क बी को बी डेज लगुच टुगेदर के लगे ए बी बाय ए प्लस बी इक्वल टू 12 गला प्रथम लाइन कथ बुझे इफ ए एलोन कम्प्लीट्स हाफ अफ दि जब एंड लिवस ये गोटे कनसेप्ट बुझेबी मुझे कही एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क क्लियर जेहेतु ये एफिशिएंसी कांस्टेंट अच्छी कौटि कही कि ए जो एफिशिएंसी चेंज कर बी चेंज कर मैंने एफिशिएंसी कांस्टेंट अच्छी जदि एफिशिएंसी कांस्टेंट अच्छी टाइम रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम वर्क रेशियो सहित टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम वर्क सहित ठीक अच्छे ताकि यहीटा बुझीगले आपको कही ए को लगुच ए डेज अलोन टू कंप्लीट द वर्क बी नौ बी डेज अलोन टू कंप्लीट द वर्क ठीक अच्छे तेज एफिशिएंसी इज कांस्टेंट एफिशिएंसी चेंज है क्वेश्चन रे सो
एट देखो ए वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट्स हाफ ऑफ द वर्क हाफ वर्क करिया को जदी वर्क हाफ होची तले डेज भी हाफ हो आपनो क्लियर होतो एटू जेहेतु टाइम आ वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना एफिशिएंसी कांस्टेंट बोली तले हाफ वर्क करिया को एक अलोन हाफ डेज लागियो सिमिलरली बी बाय 2 दिस इज इक्वल टू हाउ मच केते हिज डेज के देजी दिस इज हाफ ऑफ वर्क 25 डेज नहीं एटा होची आपन को 25 कॉन्सेप्ट क्लियर हो छी काहे कि ए बाय 2 काहे कि बी बाय 2 कोली आई होप क्लियर हो तो बेटा कॉन्सेप्ट पूछ परले त माने दैट इंप्लाइज ए प्लस बी केते हो छेडी दिस इज 50 50 50 हेगला 50 हेगला ओके अभी कह दे एटा 50 आसी गला मतलब जिनस को अंत एठी ए जो इक्वेशन अछि आपन कर एठी ए बी टा को 50 पुट कर देबी ए जो ए बी टा को 50 एठी पुट कर देबी त माने दैट इंप्लाइज ए बी टा केते हेगला दिस इज 600 हेगला ठीक अछि ए इनटू बी 600 गला ता माने ए जो पचार छि क्वेश्चन रे हाउ मेनी डेज इट वुड हैव टेकन बी टू कंप्लीट द वर्क हरसेल्फ हमें ए टा कोन मान छथि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन बी टा कोन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी अलोन बी जन को प्रोडक्ट होची 600 ता माने आंसर जहां भी थिवो 600 रा गोटे फैक्टर थिवो 600 रा फैक्टर थिवो ता माने डायरेक्टली मु कहि परिबि ऑप्शन ए ता आंसर हबनी का 600 रा फैक्टर मु 22 टा भी हबनी 20 आउ 15 भितर हो हला फर्स्ट 15 टा कोन होची जदी बी टा 15 हला ताले ए टा केते हे जाउची ए टा हे जाउची 40 बट 40 प्लस 15 हैज टू बी दिस इज 55 जोटा एटा सटिस्फाई करूनी ए इक्वेशन को सटिस्फाई करूनी एडी राइट ए टा सटिस्फाई करूनी ता माने जदी सटिस्फाई करूनी ता माने कोन ता माने बी हैज टू बी 20 बी हैज टू बी 20 जदी बी को 20 हला ए हैज टू बी 30 राइट राइट एटा आपनकर एजिंस ऑफ विषय सटिस्फाई करला बी इज मोर एफिशिएंट देन ए यदि बी मोर एफिशिएंट तहले डेज अधिक होतो सो दिस हैज टू बी 20 आई होप आपनको कांसेप्ट क्लियर होला दैट इज इंपोर्टेंट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ए एंड बी फर्स्ट निजे ट्राई करंदु सिंपल क्वेश्चन टा एटा आपन निजे ट्राई करिवे नॉलेज नेक्स्ट क्लास से बुझे देबी हला एटा आपन में होमवर्क दोची सिंपल क्वेश्चन ना नेक्स्ट अल्टरनेट माने एटी क्वेश्चन आपन एटा क्लास नंबर 2 चल टाइम आउट वर्क रो टाइम आउट वर्क क्लास नंबर 3 टा होची ओनली बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज हला सेठी आपन को ए क्वेश्चन सेठी हमें अल्टरनेट डेज रो बहुत क्वेश्चन करिया एटा को आपन आज ट्राई करन तो होमवर्क रे का टाइम आउट वर्क क्लास नंबर जो 3 हबो तारे अल्टरनेट डेज ऊपर ही बेस्ड रहा ठीक अछि सो एठी सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास एठी हम अपन क्लास एंड कली हला आज हमें जॉइनिंग और लिविंग टाइप रो क्वेश्चन हमें कले किछ लोग जॉइन करिए फिर जब लीव करिए ता ऊपर क्वेश्चन बेस्ड कले क्लास नंबर 3 रे अल्टरनेट डेज आउ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हमें करिया चारटा क्लास मु करबी सब कांसेप्ट क्लियर थे केमती लागला कोन क्लास ऑफ फीडबैक राइट इन द कमेंट्स थैंक यू सो मच